आज हम करने वाले हैं घर पे बारबेक्यू। शुरू हो गई है, थोड़ी देर में कोयला बिल्कुल रेडी हो जाएगा चाम बनाने के लिए। इसको ब्लोर कर रहे हैं, कोयले को जलाने वर्क करता है, मेरे को लगा नहीं था इतना सही वर्क करता है। एजिटेशन दही के साथ और फिर इसको पकाएंगे अपने। गाइस लग रहा है ना पूरा होटल वाला सीन। देखते हैं कैसी बनी है और क्या रिएक्शन आता है। आप पूरा रेडी हो चुका है सुपर चार्जर, अभी इसका टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है। जबरदस्त गया और मजीटो को था क्या ही कहना, उसका तो टेस्ट लाजवाब था। और इसके साथ हमें मिली थी एयर रखने वाली जगह, अभी इसको क्लीन करेंगे। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मैंडी व्लॉग। आज हम करने वाले हैं घर पे बारबेक्यू। बहुत दिनों पहले हमने ऑर्डर किया था एक बारबेक्यू सेटअप का, वो ऑर्डर हमें आज मिल चुका है, हमें हमारा पार्सल रिसीव हो चुका है। अभी हम देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिला है, पूरी अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे आपको और देखेंगे बीच में क्या क्या है और इसका क्या प्राइस है, मार्केट वैल्यू और ऑनलाइन प्राइस के मुकाबले ये हमें कितना सस्ता मिला है। चलिए एक ट्रे, हाँ, और इसके साथ एयर ब्लोअर गन और इसमें 10 सीखें और लास्ट में हमारा बारबेक्यू सेटअप। अभी इसको पूरा असेंबल करके दिखाएंगे आपको। और इसके साथ में हमें एक और चीज़ मिली है, यह है अमेज़ॉन का गिफ्ट कार्ड 100 रुपीज़ का। अभी कोयले में आग लगनी शुरू हो गई है, थोड़ी देर में कोयला बिल्कुल रेडी हो जाएगा चाम बनाने के लिए। और गर्मी से वैसे ही पिघल गया बेचारा। कोई बात नहीं, इसको पिघलाना ही था हमने भी। और अभी एयर गन से इसको ब्लोर कर रहे हैं कोयले को जलाने के लिए। जब कोयला इससे बहुत आसानी से जल जाएगा, इसमें हवा बिल्कुल एकदम सही वर्क करता है, मेरे को लगा नहीं था इतना सही वर्क करेगा। ये है हमारा वेजिटेबल सेक्शन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अमूल क्रीम, कैप्सिकम, प्याज, टमाटर, नींबू और पुदीना और बाकी के ये हमारे इंस्ट्रूमेंट और ये दही हमारा। ये सही सही है ना? हाँ ये सही है, इतना इतना ही रखो। और हमारा दूसरा पार्टनर यूट्यूब में देख रहा है कैसे इसको चांप को बनाना है। इतने इतने बहुत है ना। वो अंदर का सफेद वाला पार्ट भी काट देते हैं इसको पूरा। हाँ। बस ये मतलब कि इसके जो पीछे वाला बस वो ही डालना है। हाँ। यार कितनी देर बाद दिखे हैं टमाटर। अभी ना इतने इतने पीस करेंगे इसके कि इसको ना सीख में लगाना एकदम आसान हो जाए। अब अमल करें, अभी जिंजर है, गार्लिक, अभी चांपों के पीस कट हो रहे हैं। वहाँ पर पनीर एकदम मिक्स कर दिया, अभी इसमें डालेंगे दही। देखो भाई क्वांटिटी इतना खा लेगी सी हफ्ती। सभी घर वालों को ना आज डिनर में चांप और पनीर ही खिलाएंगे, बस पेट भर के वो भी। अभी प्याज, टमाटर, कैप्सिकम और मिर्चे ये सारा मिक्सचर अभी रेडी हो चुका है और इसके बाद अभी इसमें करेंगे मेडिटेशंस दही के साथ और फिर इसको पकाएंगे अपने। ये है हमारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अभी फ़िलहाल हमने 5 सीखे रेडी करके रख दिए हैं, जिसमें कि पनीर टिक्का और चांप लगी है और एक सीख वो है जिसमें नीर और चाम मिक्स लगी हुई है। ये देखो भाई लग रहा है ना पूरा होटल वाला सीन, देखने में ही कितना जबरदस्त लग रहा है। अभी इसको टेस्ट करवाते हैं, पहले देखते हैं कैसी बनी है और क्या रिएक्शन आता है। बहुत टेस्टी है, तुम्हें तो ना रेडी लगा लेना चाहिए थे। अभी बना रहे हैं मजीटो। अभी हमने सोडे की बोतल डाली जो कि केनली का यूज़ किया हमने। फिर डालेंगे हमारी स्प्राइट, ये हम पूरी डाल देंगे। लेंगे हम इसमें चार्जर, ये हमारा बनेगा मोजिटो।
भाभी को तो हमारा बहुत बहुत ज़बरदस्त गया, और मजीटो को तक क्या ही कहना, उसका तो टेस्ट लास्ट जवाब था। अभी मैं बताऊंगा ये जो भाभी क्यू हमने लिया ये कितने का पड़ा, और इसके जो साथ एयर गन मिला इसका क्या फ़ायदा निकला। भाभी क्यू तो हमें अंडर 1200 हमें मिल गया था, और इसके साथ हमें मिली थी एयर गन इस कॉयल को बांधने के लिए। गाइस इसका बहुत यूज़फुल रहा, और ये जो सीख हैं ये मिली 10 इसके साथ, और ये जाली थी, ये जाली को हम बाहर भी निकाल सकते हैं, और नीचे ये कोयल रखने वाली जगह अभी इसको क्लीन करेंगे पूरा। और बारबेक्यू हमारा एकदम ज़बरदस्त गया। नेक्स्ट टाइम अगर हम पिकनिक के लिए बाहर जाएंगे तो इसको साथ में लेके जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ही इसको ये इसके पैर है जो फोल्ड हो जाते हैं और ये एक ब्रीफ केस की तरह बन जाता है, तो इसको कहीं पर भी ले जाना बहुत ही सिंपल है। तो इसलिए अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ये वाला कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताएं ये आपको बारबेक्यू कैसा लगा, और यहाँ तक देख लिया है वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।